बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बयान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा भारत को नसीहत देने वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जो देश अपनी धरती पर आतंकवाद को प्रश्रय देता हो, जहां खुद धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत बदतर हो, जिसके पास खुद खाने के लिए न हो, उनसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। इमरान खान को फरिश्ता मानती है कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जो पाकिस्तान अपने यहां ओसामा बिन लादेन को छिपाकर रखता हो, जो तालिबान का समर्थन करता हो, वो हमें न बताए मानवता क्या है। पात्रा ने कहा कि पाकिस्तान खुद कर्ज में डूबा हुआ है, पहले अपनी रोटी का जुगाड़ कर ले, फिर हमें सीख दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जरूर इमरान खान को फरिश्ता मानती है, कहती है जो इतने सालों में नहीं हुआ इमरान ने कर दिखाया। गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता को लेकर समर्थन जताते हुए कहा था कि पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना को पहले से ही पता था कि कांग्रेस जिस आज़ाद मुल्क की मांग कर रही है, उसमें मुसलमानों को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग की थी। इमरान खान ने कहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को दिखाएंगे कि अल्पसंख्यकों से कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार मिले। बता दें कि बुलंदशहर हिंसा का जिक्र करते हुए बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि आज के दौर में गाय की जान एक पुलिस इंस्पेक्टर से ज़्यादा कीमती है। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की फिक्र होती है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी। उन्हें डर है कि कल कोई भीड़ उनके बच्चों को घेर कर उनका धर्म पूछेगी तो वे जवाब नहीं दे पाएंगे।